Hello my dear students and my dear friends, welcome back once again. Learn English में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है. हम सीख रहे हैं अंग्रेजी बोलना step by step, वो भी हर रोज़ कुछ नया. Dear students, आज एक सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे अधिक बोला जाने वाला word जो है उस पर हम चर्चा करेंगे या और सीखेंगे इसको कैसे बोला जाता है. एक शब्द है आई गोटा. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि वाना जैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक उसी तरह से गोटा भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है. बट इट इज मोर ऑफ ए स्पोकन फॉर्म इन ऑल ओवर वर्ल्ड्स. लेकिन पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, स्पेशली अगर हम यूके और यूएस एक्सेंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है. अब ब्रिटिश एक्सेंट में भी ये प्रयोग होने लगा है, इंडिया में भी, यानी हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में इसे यूज किया जाता है. इन द स्पोकन फॉर्म गो टू, ठीक है, गो टू का शॉर्ट नेम है गोटा, ठीक है, और इसमें हैव को ड्रॉप इन एकदम ड्रॉप हो जाता है. हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ही आसान है, आप इस चीज को समझ पाएंगे. आई गोटा मैरिज माय प्रॉब्लम, मुझे अपनी समस्याओं का प्रबंधन करना होगा. आई गोटा मैनेज माय प्रॉब्लम, मुझे अपनी समस्याओं का प्रबंधन करना होगा, मैनेज करना होगा. I gotta obey the law and rule regulation. I gotta obey the law and regulation. मुझे कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए या करना होगा. I gotta move to a big city. मैं एक बड़े शहर में जाना चाहता हूँ. I gotta impress my boss and employee. मैं अपने बॉस और कर्मचारी को प्रभावित करना चाहता हूँ या करूँगा. I gotta do work with them. मुझे उनके साथ काम करना पड़ेगा. I gotta start a company for revenue. मुझे राजस्व के लिए, मुझे पैसे के लिए एक कंपनी शुरू करनी होगी. I gotta manage her marriage in India. मैं भारत में उसकी शादी का प्रबंधन करना चाहता हूँ, करूँगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे गोटा सब जो आ रहा है कॉमन, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करने के लिए तत्पर हैं या कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का सेंस, इस तरह का भाव आप गोटा के साथ यूज़ कर सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट, एक नई बात और, आई वॉज अबाउट टू, अक्सर ये वर्ड भी बोला जाता है. आई वॉज अबाउट टू, इसका मतलब क्या हुआ, के बारे में था, ठीक है, के बारे में था, यानी ये चीज जैसे अक्सर होता है, मैं ये करने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, मैं तो बोलने ही वाला था. ये सारी चीजें अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में तो आपको बोलना होगा आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू. आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. हियर आर एग्जाम्पल्स. देखिए, आई वॉज अबाउट टू गो आउट फॉर एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला था. आई वॉज अबाउट टू गो टू होम, मैं घर जाने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू गो टू स्लिप, मैं फिसलने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाने ही वाला था. I was about to start broadcast. मैं प्रसारण शुरू करने वाला था. I was about to call them. मैं उन्हें फोन करने वाला था. यानी आपने देखा कि एक ऐसा कार्य जो आप करने वाले थे, एक ऐसा कार्य जो आप करने वाले थे, उस इस सेंस को शो करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आप यूज करेंगे I was about to, I was about to, okay? So, इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है.
अगर हम कुछ और चीजों को देखें, आई वॉज अबाउट टू सेंड यू मटेरियल, थोड़ा सा और इसको हमने बेहतर किया, मैं आपका सामग्री भेजने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कलेक्ट मनी, मैं पैसा इकट्ठा करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ओपन दिस पैक, मैं इस पैक को खोलने वाला था। आई वॉज अबाउट टू वॉच मूवी, मैं फिल्म देखने वाला था। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सारी चीज़ों में कुछ करने वाले थे का सेंस आया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। आप इस चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो कम से कम बिल्कुल ईमानदारी से 1 घंटा रोज आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ बोलिए या खुद बोलिए, खुद से बात करिए, किसी मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ बात करना शुरू करिए और कंटिन्यू करते रहिए। कंटिन्यू, स्टार्ट जो शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप बहुत जल्द इस चीज़ को सीख जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे आपके लिए, कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नई इंग्लिश के उन वर्ड्स को लेकर जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।